तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चाहे बने और सब्सक्राइब कर देना। तो आज कुछ बातें जो कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले कि अगर बड़े केक के ऑर्डर आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से आपको केक को अच्छे तरीके से बनाना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि अगर कस्टमर कोई बड़ा केक को हमको ऑर्डर देता है तो उससे सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अगर वो कोई फ़ोटो वगैरह दिखाता है तो उस तरीके की बनाने की कोशिश करो। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि देखो, अगर आप उसके तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो उनको उसी टाइप का केक मिल जाएगा जिनसे उनको चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी माइंड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सेम टू सेम केक अच्छे से उतार देना है। हाँ, 19-20 चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन उसकी खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास फ़ोटोज़ आ जाती है, किसी भी केक की फ़ोटोज़ आ जाती है, जैसे कि मेरे पास ये वाले केक की फ़ोटोज़ आई थी, तो मैंने क्या किया कि उस केक को बनाया। बट अब आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीज़ें देनी है वो कैसे देनी है, कहाँ देनी है, किस तरीके से वर्क करना है। तो जैसे कि हम लोग एक बचपन में लिखते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए उसको बहुत ही धीरे धीरे, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता लिखते थे, ताकि जिससे कि राइटिंग हमारी अच्छी हो सके और फिनिशिंग अच्छी हो। तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस होता है हमारा केक के ऊपर। केक हम लोग बहुत ही स्मूथली तरीके से बनाएंगे, अगर बहुत ही आहिस्ते और उस पर सॉफ्ट वर्क करेंगे तो केक की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। अगर आप उस पर बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं, तो वो डिज़ाइन अच्छे से नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर कोई भी फ़ोटो अगर आपको कस्टमर दिखाता है तो आप उस फ़ोटो के देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही अच्छे से सॉफ्ट वर्क करिए, जिससे कि केक पे फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। फिनिशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आइसिंग आपको मैंने दिखा दिए, केक के ऊपर रखने का भी तरीका मेरा नॉर्मल ही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केक बनाते हैं तो ये सब चीज़ें अब आदत सी हो गई है। बट अब आपको अगर कस्टमर फ़ोटो नहीं दिखाता है तो फिर आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कस्टमर को पूछना है कि किसके लिए केक है, बच्चे के लिए है, बड़े के लिए है, शादी के लिए, किसके लिए। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनसे कहोगे कि कोई फ़ोटो वगैरह या किस टाइप में आपको चाहिए, जो भी उनसे ओपिनियन आप ले सकते हो, पूरा ओपिनियन आपको उनसे ले लेना है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे उसके अकॉर्डिंग आप केक देखेंगे सबसे पहले का, क्योंकि देखिए बड़े केक के ऑर्डर हमेशा नहीं आते हैं, तो उस पर आपको एक अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप केक की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह देखोगे, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा। आइडिया के बाद आप उस आइडिया को अपने दिमाग में फिट करोगे, पहले केक बनाने से पहले ही किस तरीके से आपको केक डेकोरेट करना है। सारा चीज़ सेटअप करने के बाद आप केक की आइसिंग करना शुरू करोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेटअप समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले केक की आइसिंग कर लेनी है। आइसिंग करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आने लगेगा कि आगे क्या करना है। तो इस तरीके से आप केक की अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो फ़ोटोज़ मिली थी उस पे सिर्फ रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन, कस्टमर ने बोला था कि मुझे रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन केक चाहिए था और उस पे एक 25 ईयर का टैग होना चाहिए, जो कि एनिवर्सरी के लिए था। तो मैंने सोचा कि चलो अपने हिसाब से रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का केक बनाते हैं। तो जो भी मुझे पॉसिबल लगा, जिस तरीके से, जिससे भी मैं इतना बारीकी से डिज़ाइन दे पाऊँ, तो जितना भी पॉसिबल हुआ मैं दिया। 3 kg का केक था और इस केक का जो प्राइस था वो था 2100 रुपीज़। मैं 200 बोल रहा हूँ, सॉरी, तो 700 रुपीज़ पर केजी का केक था। 3 kg केक का आप लोग अमाउंट जोड़ सकते हो। तो ये है केक का फाइनल लुक। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।